नमस्ते, मेरा नाम नेहा हिंगे है। अपाहिजों के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी होती है, मैं इस विषय में आज कुछ बोलना चाहती हूँ। सिर्फ सोचिए, अगर आपको स्कूल नहीं जाने दिया जाता सिर्फ इस बात पे कि आप चल फिर नहीं सकते या देख सुन नहीं सकते, तो क्या आप आज उस जगह पे होते जहाँ पे आप आज हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपनी ज़िंदगी की ऐसी जगह बिता रहे होते अंधेरे कोने में, जहाँ पे आप अपने अपाहिज होने का पछतावा मना रहे होते। शारीरिक रूप से तो ये लोग विकलांग होते ही हैं, हम लोग इन्हें मानसिक रूप से भी विकलांग बना देते हैं। शिक्षा पर सभी का अधिकार है। शिक्षा जब रंग, भाषा, जाति, स्त्री पुरुष पर फर्क नहीं समझती, तो एक आम इंसान और एक अपाहिज में भी फर्क नहीं समझती। शिक्षा किसी के भी मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो लोग शारीरिक रूप से निर्बल हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ना उन्हें शिक्षा देकर हम उनके अंदर नया आत्मविश्वास भरें, निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करें, विचारों को समझने की शक्ति दें उन्हें। वो लोग पढ़ के कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, म्यूजिशियंस बन सकते हैं, फिलोसोफर्स बन सकते हैं। हेलन केलर जैसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, तो क्यों ना हम लोग उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा उन्हें आम जिंदगी जीने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हम लोग स्कूलों में स्पेशल लिफ्ट लगा सकते हैं जिससे कि बच्चे स्कूल तक पहुँच सकें। उनका हक बनता है एक आम जिंदगी जीने का। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है तारा, होम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जहाँ पे मैं अक्सर जाया करती हूँ। 28 अनाथ बच्चे हैं वहाँ पर जो विकलांग हैं मानसिक और शारीरिक रूप से। उनकी आँखों में वो पढ़ने की जिज्ञासा देखी है मैंने, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये कितना आवश्यक है। उसमें से कई बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं। मैं जानती हूँ कि वो कितना आम होकर भी कितना खास समझते हैं अपने आप को जब उन आम स्कूलों में जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे इस लक्ष्य को पाने में आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमेशा मुझे आशा रहेगी। धन्यवाद।